अब गजल और मुशायरे का माहौल आप बनाएंगे और बनाए रखेंगे। हमें यकीन है कि मुशायरे का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और चलेगा। मैं सिलसिले से चल रहा हूं मुख्तलिफ शहरों को लेता हुआ और सब बनारस आकर के ठहरेंगे। आज की रात हिंदुस्तान के जिस हिस्से से भी कोई चलेगा वो आएगा तो ठहरेगा यहीं, जहां रोशनी है, जहां लोग हैं, जहां जिंदगी है, जहां आप हैं, जहां हम हैं, जहां शोराए कराम हैं, जहां फन है बैठा हुआ, जहां शऊर है जागा हुआ, और जहां रात है मुस्कुराती हुई, और जहां हवाएं हैं बहकती हुई। सब चलेंगे। तो आइए बिजनौर तक चले थे, ये लखनऊ कैसे छूट जाए हमसे, रईस और लखनऊ से। रईस ने गजल दी है, नए अंदाज की गजल दी है, और रईस ने मुशायरों को लूटा है। रईस ने कागज के ऊपर भी अपने शायर की दाद पाई है और मुशायरों से भी पाई है। नया लहजा, नया रंग और नई बात, रईस अंसारी। हजरात, गजल से कबल कुछ मुतफरीक अशार पेश कर रहा हूं। कुछ सच्चाइयां शायरी के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, समाज फरमाइए। समाज फरमाइए कि अम तहजीब, रवादारी, शराफत, इखलास, अमन तहजीब, रवादारी, शराफत, इखलास और नक्श क्या क्या थे जो नफरत ने मिटा डाले हैं। नक्श क्या क्या थे जो नफरत ने मिटा डाले हैं, और इल्म के शहर मशीनों के नगर, प्यार के गांव, इल्म के शहर मशीनों के नगर, प्यार के गांव, सब के सब फिरका परस्तों ने जला डाले। हाँ हाँ हाँ, तहजीब, रवादारी, शराफत, इखलास और नक्श क्या क्या थे जो नफरत ने मिटा डाले। इल्म के शहर मशीनों के नगर, प्यार के गांव, सब के सब फिरका परस्तों ने जला डाले, सब के सब फिरका परस्तों ने जला डाले हैं। और इसी सिलसिले को आप तक पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाइए कि ये हुकूमत तो है कातिल के तरफदारों की, ये हुकूमत तो है कातिल के तरफदारों की, अय खुदा करना हिफाजत मेरे मीनारों की। ये हुकूमत तो है कातिल के तरफदारों की, अय खुदा करना हिफाजत मेरे मीनारों की, अय खुदा करना हिफाजत मेरे मीनारों की। और शेर पेश कर रहा हूं, समाज फरमाइए कि बेगुनाहों का लहू, बेगुनाहों का लहू इतना बहा आपके बरस, बेगुनाहों बेगुनाहों का लहू इतना बहा आपके बरस, सुर्खियां खून से लिखी गई अखबारों की। बेगुनाहों का लहू इतना बहा आपके बरस, सुर्खियां खून से लिखी गई अखबारों की, सुर्खियां खून से लिखी गई अखबारों की। और एक सच्चा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। आपने देखा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम और हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला और तमाम हमारे रहनुमा उस वक्त का लगा मेरठ पहुंचे अमन का पैगाम लेकर जब हजारों लोग शहीद कर दिए गए। ये उर्दू का तालिब इल्म शेर पेश कर रहा, समाज फरमाइए कि यह हुकूमत तो है कातिल के तरफदारों की, कि टोलियां निकली है अब अमन का परचम लेकर, टोलियां निकली है अब अमन का परचम लेकर, रौनकें छिल गई जब शहर के बाजारों की। टोलियां निकली है अब अमन का परचम लेकर, रौनकें छिल गई जब शहर के बाजारों की, टोलियां निकली है अब अमन का परचम लेकर, रौनकें छिन गई जब शहर के बाजारों की, रौनकें छिन गई जब शहर के बाजारों की। और एक ताजा गजल आपकी नजर कर रहा हूं, समाज फरमाइए। वसीम भाई ने गजल पेश कर रहा हूं, ताजा है। आप देखें कि जहां से आपके अजदाद ने सफर किया था, ये मतला और ये सफर को पेश नजर रखें, मतला पेश कर रहा हूं।
कि चल न पाई, चल न पाई एक भी उस रहनुमा के सामने, चल न पाई एक भी उस रहनुमा के सामने, रख दिया जिसने चिरागों को हवा के सामने। वाह वाह, चल न पाई एक भी उस रहनुमा के सामने, रख दिया जिसने चिरागों को हवा के सामने। और शेर नजर कर रहा हूं कि इसलिए तेरी अदालत में रहे खामोश हम, इसलिए तेरी अदालत में रहे खामोश हम, फैसला हर जुल्म का होगा खुदा के सामने। इसलिए तेरी अदालत में रहे खामोश हम, इसलिए तेरी अदालत में रहे खामोश हम, फैसला हर जुल्म का होगा खुदा के सामने, फैसला हर जुल्म का होगा खुदा के सामने। और ये भी शेर खास तौर से नजर कर रहा हूं कि फैसला हर जुल्म का होगा खुदा के सामने। और कौन मुजरिम, कौन मुजरिम, कौन कातिल है यहां, कौन मुजरिम, कौन मुजरिम, कौन कातिल है यहां, गुफ्तगू कर लो कभी हमको बिठा के सामने। कौन मुजरिम, कौन मुजरिम, कौन कातिल है यहां, गुफ्तगू कर लो कभी हमको बिठा के सामने, गुफ्तगू कर लो कभी हमको बिठा के सामने। और तीर जो भी दुश्मनों की सम से मुझ पर चले, तीर जो भी दुश्मनों की सम से मुझ पर चले, हो गए वो बेअसर मां की दुआ के सामने। हा हा हा, मैं पहले कह चुका हूं कि यह मुशायरा आपका है, आप अगर एक नहीं दो सुनना चाहेंगे तो कोई एतराज न होगा। आइए जनाबे रईस अंसारी साहब तशरीफ लाइए। हजरात, चंद अशआर आप तक और पहुंचा रहा हूं, समाप्त फरमाइए। हजरात, मैं इस गजल का एक शेर छोड़ गया था, वाली साहब हमारे मोहतरम हैं और उस्ताद हैं, उनका हुक्म है, इसलिए ये शेर पेश कर रहा हूं। करबला के हवाले से आपने हजारा शेर सुने होंगे, इस तालिब इल्म का भी शेर सुन लें इसी गजल में। कौन मुनसिफ, कौन मुजरिम, कौन कातिल है यहां, कौन मुनसिफ, गुफ्तगू कर लो कभी हमको बिठा के सामने, गुफ्तगू कर लो कभी हमको बिठा के सामने। और आ गया जब भी कभी दरिया को प्यासों का ख्याल, आ गया जब भी कभी दरिया को प्यासों का ख्याल, एहतरामन रुक गया है करबला के सामने। आ गया है जब कभी दरिया को प्यासों का ख्याल, आ गया है जब कभी दरिया को प्यासों का ख्याल, एहतरामन रुक गया है करबला के सामने, एहतरामन रुक गया है करबला के सामने। हजरात, मतला देखें कि मुझसे आपस का ये झगड़ा नहीं देखा जाता, मुझसे आपस का ये झगड़ा नहीं देखा जाता, और घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता है, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता। वो आग जंगल में कुछ इस तरह लगी है आपके, आग जंगल में कुछ इस तरह लगी है आपके, झील पे कोई परिंदा नहीं देखा जाता, आग जंगल में कुछ इस तरह लगी है आपके, झील पे कोई परिंदा नहीं देखा जाता। और शेर नजर कर रहा हूं, समाज फरमाइए, कि आपके लाना है तुझे नेजे पे सर दुश्मन का। वाह, कृष्ण जी ने भी कहा था कि जंग में जो है अपने दुश्मन को देखो, ये ना देखो इसमें कौन तुम्हारा रिश्तेदार है। समाज फरमाइए, इस उपदेश को लेकर ये शेर पेश कर रहा हूं। इशाद, क्या जंगल में कुछ इस तरह लगी है आपके, झील पे कोई परिंदा नहीं देखा जाता, अब के लाना है तुझे नेजे पे सर दुश्मन का,
अब के लाना है तुझे नेजे पे सर दुश्मन का, जंग में खून का रिश्ता नहीं देखा जाता। अब के लाना है तुझे नेजे पे सर दुश्मन का, जंग में खून का रिश्ता नहीं देखा जाता। जंग में खून का रिश्ता नहीं देखा जाता। समाज फरमाइए मतलब कि छोड़ा है जब से मैंने पुराने मकान को, छोड़ा है जब से मैंने पुराने मकान को, हसरत से तक रहा हूँ खुले आसमान, बहुत अच्छे, हसरत से तक रहा हूँ खुले आसमान को। और शेर पेश कर रहा हूँ सियासी आज की कयादत, और ये उर्दू तालिब इल्म का शेर कि मस्जिद का तुमने उसको मुअज्जिन बना दिया, मस्जिद का तुमने उसको मुअज्जिन बना दिया जिसने कभी सुनाई नहीं था अजान को। मस्जिद का तुमने उसको मुअज्जिन बना दिया जिसने कभी सुनाई नहीं था अजान को, जिसने कभी सुना ही नहीं था अजान को। और शेर देखें तकसीम पर, हजारा शेर आपने सुने होंगे, शेर देखें कि जिसने वतन को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, जिसने वतन को टुकड़ों में तकसीम कर दिया एजाज मिल रहा है उसी खानदान को, जिसने वतन को टुकड़ों में तकसीम कर दिया एजाज मिल रहा है उसी खानदान को।